बाद लोग कहते हैं इसमें एक चीज़ ये भी है कि औलिया अल्लाह की कब्रों को की ताज़ीम अहले हदीस नहीं करते हैं। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी कब्र के सिलसिले में कहा, इमाम मालिक ने अपनी मुअत्ता में और दूसरी किताबों में भी हदीस जिक्र की गई है कि अल्लाहुम्म ला तजअल क़ब्री वतनन युबद, बाज़ रिवायतों में युबद की ज़्यादती है बाज़ में नहीं है, कि ऐ अल्लाह मेरी कब्र को इस चीज़ से बचा कि वो बुत बन जाए, वतन बन जाए जिसको लोग अपना माबूद बना लें, जिसकी इबादत की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में उम्मत को इस बात की तंबीह की और अल्लाह से इस बात को चाहा, अल्लाह से ख़ास इसकी दुआ की, अल्लाह मेरी कब्र को वतन बनने से बचा ले, ऐसी चीज़ बनने से बचा जिसकी इबादत की जाए। और आप अपनी दिल ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में भी आप अल्लाह से दुआ कर रहे थे और अल्लाह यानी उन लोगों पर लानत कर रहे थे जिन्होंने नबियों की कब्रों को सिद्दगाह बना लिया। लानतुल्लाहि अलल यहूद व नसारा इत्तखदु कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, अपने नबियों की कब्रों पर वो सजदा करते थे। तो कब्रों को सजदा करने वालों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। अपनी कब्र के सिलसिले में अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी कब्र को माबूद बनने से बचा। मालूम हुआ कि इस बात का डर उम्मत में बाकी था कि उम्मत कब्र को माबूद बना लेगी। नबी कभी ऐसी चीज़ के सिलसिले में डरेंगे नहीं जिसका वो कोई होने वाला नहीं, और उम्मत को कभी ऐसी चीज़ से ख़बरदार नहीं करेंगे जो उम्मत में हो ही नहीं सकती है। आपने उम्मत को हर ऐसी चीज़ से डराया है जिसमें उम्मत वाक़े हो सकती हो। आपने यहाँ पर ख़ास तौर से अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में उम्मत को ख़बरदार किया। आपने कहा अला व इन्ना मन काना क़ब्लकुम, खबरदार जो लोग तुमसे पहले थे, कानू यत्तखिदूना क़ुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिद, उनका तरीक़ा यह था कि वह अपने नबियों की और अपने सालिहीन की अल्लाह वालों की कब्रों को सजदा मस्जिद बना लिया करते थे। अला फला तत्तखिदुल क़ुबूर मसाजिद, खबरदार कब्रों को मस्जिद न बना लेना। इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिक, मैं तुमको इससे मना कर रहा हूँ। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में हदीस जिक्र की है। इस हदीस में सराहत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान की है कि यहूद व नसारा का तरीक़ा था कि न सिर्फ नबियों की बल्कि सालिहीन की कब्रों को भी वो सजदागाह बनाया करते थे। आपने अपने बाद अपनी उम्मत को इस चीज़ से ख़बरदार किया, लेकिन बहुत अफसोस की चीज़ है कि आज औलिया की तज़ीम में मुसलमान इतने आगे बढ़ गए कि वाकई उसी चीज़ में मुब्तला हो गए जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था। इल्म की कमी इंसान के अच्छे जज्बात के बावजूद उसको नुकसान देती है। कुल हल नुनब्बिकुम बिल अक्सरीन अमाला अल्लज़ीन ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनअ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि ऐ नबी आप कहिए, हल नुनब्बिकुम बिल अक्सरीन अमाला, क्या हम तुम्हें बताएं कि आमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है? ये वो लोग हैं जिनकी कोशिशें दुनिया में रायगां चली गई, बर्बाद हो गई, और वो इसी भरम में पड़े रहे, इसी गुमान में पड़े रहे कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। कितनी बर्बादी की चीज़ है कि एक इंसान अच्छे जज्बे के साथ एक काम ऐसा करे जो अल्लाह के नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखता। ये क्यों होता है? ये नबवी इल्म से दूरी की वजह से होता है। एक आदमी अपने दिल के जज्बात को शरीयत का बदन बना लेता है, ये इंसान के लिए सबसे खसारे की चीज़ होती है। शैतान करता यही है कि गुमान की बुनियाद पर अल्लाह के अहकाम से दूर कर देता है, वह इल्म से दूर कर देता है और इंसान को राय कयास ख्वाब और इस तरह की दूसरी चीज़ों के पीछे लगा देता है। अहले हदीस की दावत यही है कि हम قال الله قال رسول الله قال الصحابہ کی تعمیل میں اور اس کی تعلیم اور تعلم میں مشغول ہوں تاکہ ان ساری برائیوں سے بچیں جو عقیدے اور عمل کی راہ سے آتی ہیں۔ اہل حدیث کے نزدیک اولیاء کا مقام ہے، لیکن اولیاء کا مقام نہ نبی کے برابر ہے نہ اللہ کے برابر ہے۔ اللہ کے خصائص میں اولیاء کو شامل نہیں کرتے ہیں، شریک نہیں کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے عبادت، ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات، جو اللہ کے خصائص ہیں، ہم اولیاء کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کی توحید کا اہتمام کرنا یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ سب سے پہلی چیز وہی ہے جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو بس اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ تو اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ ہمارے وجود کا مقصد ہے۔
अगर हम अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करें तो हमने इस मकसद को बर्बाद कर दिया है। ये अहले हदीस की दावत है कि तौहीद और इत्तिबा का एहतमाम किया जाए।